नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में जब चुनाव करीब हो तो जुबानी तकरार को देख और सुनकर ही घमासान का अंदाजा हो जाता है, और जब बात यूपी जैसे राज्य के बजट की हो तो फिर राजनीति का हिसाब किताब कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन आज विधानसभा से सुकून भरी तस्वीर आई। यहां आर पार की बहस के बीच भी मर्यादा की सीमाएं नहीं टूटी। मौका राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के भाषण का था। उन्होंने आज योगी सरकार पर तीखे हमले किए, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अखिलेश यादव के चुभने वाले हमले के बीच सीएम योगी के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही थी। इस दौरान विधानसभा में जमकर ठहाके भी गूंजे, बीच बीच में हंगामा हुआ, लेकिन कुछ ही देर में बहस वापस पटरी पर आ गई। बात बजट पर हो रही थी, इसलिए हिसाब किताब के पन्ने पलटे गए, आंकड़ों की बाजीगिरी दिखाई गई, दावों का जवाब आरोप से दिया गया, क्रेडिबिलिटी की बात उठी, कार्टून का जिक्र हुआ, लैपटॉप पर बहस हुई, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करने का हिसाब दिया। इस बीच में जातीय जनगणना का मुद्दा भी सरगर्म रहा। पक्ष विपक्ष में खूब चुभने वाले वार पलटवार हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बात जनता को चुभे। चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने साबित किया कि वो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की जनता के प्रति जिम्मेदारी को समझते हैं। आज की बहस देखने लायक थी। अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ बसपा पर भी चुटकी ली, सुभाषपा पर भी जातीय जनगणना को लेकर तीखे तीर छोड़े, और इस पर पलटवार भी हुआ। सियासत के बजट वाले अध्याय का आज मैं करूंगा चुभने वाला विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। विधानसभा में नेता सदन यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने क्रिकेट के मैदान में मुकाबले का चैलेंज दिया। अखिलेश यादव ने इकोना स्टेडियम को याद किया, यानी जगह भी बता दी। अखिलेश ने इशारों में तंज करते हुए कहा कि मैं आपके खेल के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, देखिए इकोना याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप जितने बॉल फेंकेंगे मैं उतने छक्के मारूंगा। इस पर अब सीएम योगी शनिवार को जवाब देंगे। इससे पहले बजट संग्राम की आज की तस्वीरें क्या थी, इस रिपोर्ट में देखिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, बजट पर अखिलेश की बल्लेबाजी। वो मैच तब बना जब दूसरी टीम ने गोल कर दी। वैसे हमारे नेता सदन बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं मुझे। मैंने कुछ दिन पहले नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा, पता नहीं किसने बॉल की और एक टप्पा दो टप्पा तीन टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम गया। तीन टप्पे के बाद गेंद पे नहीं मार पा रहे हो। स्टेडियम वाला बहाना, सरकार पर सीधा निशाना। मेले में खाली सीटें जो छूट गई शायद स्टेडियम में। जब नेता सदन को स्टेडियम में जाते देखा, खुशी मनाते हुए देखा, तो मैंने यही कहा कि नेता सदन ये कहते हुए जनता से जा रहे हो टीवी के चैनल के सामने कि ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया, ये स्टेडियम मैंने नहीं बनाया। बजट पर मोर्चा बंदी, शायरी बनाम तुकबंदी। डूब के खुद गहरे पानी में, पानी का फलसफा समझ। कि अपने ही सहयोगी विधायक से कुछ अच्छा लिखवा लीजिए कर, आपकी तुकबंदी ठीक नहीं। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। भाजपा विधायकों पर सपा का कार्टून अटैक। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला हो सकता, अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। ए, कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। बजट पर बहस का खैनी वाला चैप्टर। अभी आ रहा हूँ मैं मेडिकल कॉलेज। पेपर का रेफरेंस तो बताएं, कहाँ का पेपर? अच्छा, पेपर बता दें। ये भी खिलाड़ी लगता है किसी बात के, किसी खेल के खिलाड़ी हैं भी, कहीं खैनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो? स्पीकर पे आवाज आ गई, आप इतने नाराज हो गए, लेकिन इसी सदन में कोई खैनी खा रहा था, आप नाराज नहीं हुए? क्योंकि जो वीडियो मैंने डाला, हालांकि मुझे नहीं डालना चाहिए था, माननीय सदस्य होंगे, हालांकि ये जमाना ऐसा है कुछ दिखावे का भी है। गन्ना किसानों के नाम, पेमेंट वाला संग्राम,
गन्ना किसानों का 14 दिन से भुगतान, 14 दिन के अंदर भुगतान। सवाल ये नहीं कि आपने भुगतान कितना किया है, सवाल ये कि बकाया कितना है। और जो अधिकारी घुमा फिरा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं किसानों को, उन पे कार्रवाई कब करेंगे आप? अब तो कहीं खड़ा होगा बुलडोजर, ले चलिए उसको वहां पर। पक्ष विपक्ष में खुली लड़ाई, बात क्रेडिबिलिटी पर आई। आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? आपने कहा 5 करोड़ देंगे विधायक निधि, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि वित्त मंत्री जी को ये दिक्कत है कि मुख्यमंत्री जी अगर अकेले में डांटे ना मुझे, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप कहां खड़े हैं? पर जब सदन में पढ़ा जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके बारे में बताया जरूर जाता है। ये सदन की अध्यक्ष को बता रहा हूँ। बजट पर 2020 भिड़न पर अगर हो तो भेज दीजिए अध्यक्ष महोदय, नीता सदन में आपके खेल के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता। देखिए एक आना याद आ रहा हूँ, फिर हो जाए मैच एक दिन एकाना में ही क्रिकेट का। नेता सदन देखें कितने टप्पे के बाद बॉल पे बैट मारते हैं। और मैं आपको बता दूं, नेता सदन जितनी बॉल फेंकोगे आप उतने छक्के मारूंगा मैं। सीएम योगी को अखिलेश का सिक्सर चैलेंज। बात तो चुभेगी। सपा ने आज योगी सरकार की क्रेडिबिलिटी यानी साख पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन इस सरकार की जनता के बीच साख नहीं। इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनता ने हमें 5 साल के शासन के बाद दोबारा कुर्सी पर बिठाया, इसी से समझा जा सकता है कि जनता किसके साथ है और उसके बीच किसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। बात बजट की थी, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर चुभते हुए तीर छोड़ रहे थे, तभी बात साख के सवाल तक पहुंच गई और शुरू हो गया क्रेडिबिलिटी यानी साख पर महासंग्राम। आप चुनाव जीत जाओ लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी। आप चुनाव जीत सकते हो लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? आपने कहां आलू खरीदा है बताओ आप? क्योंकि हमको इंगित करके बात कही जा रही है, जवाब देना जरूरी है हमारे। बोलिए, जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये इस सदन की हमने नहीं, जो जो हमारा संकल्प पत्र है माननीय, पहले भी संकल्प पत्र के हमने 98% वादे पूरे किए, 98%, और ये इस बार में आया और इस बार भी जितने वादे किए 130 वादे किए उसमें से 110 वादों पर काम किया है मानव। कल बाकायदा इस पर प्रेस किया गया था मानव। यह है क्रेडिबिलिटी। अभी तो बस शुरुआत, बहस गरमाई तो गर्मा की चली गई। साख पर सुलगते हुए सवालों की दो तरफा बौछार होने लगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष मैं अपने माननीय सदस्यों से कहूंगा एक मत शांत रहे। अध्यक्ष महोदय, आप क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं ना कुछ, मैं बैठ जाता हूं, एक बार बताइए। केवल यह है कि हम जनता ने 5 साल तक हमारी सरकार को गुड गवर्नेंस के आधार पर दो बार वोट दिया, गुड गवर्नेंस के आधार। यह है क्रेडिबिलिटी। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। हम उसी वजह से यहां पर बैठे, उसी कारण यहां पर बैठे, और यही क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा मान्य है। यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है आपकी, यही पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है ना? अच्छा, ये क्या था फिर? 2000 नई बसें चलाएंगे, ये दूसरा बजट था। कितनी बसें चला रहे हैं आप? और पहले लैपटॉप दे रहे थे, क्योंकि मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं मैं, ये लैपटॉप नहीं बांट सकते और नहीं बांटे इन्होंने। क्या वो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाएगी? अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर तीखा हमला बोला, बजट को किसानों की उम्मीदों के लिहाज से फेल बताया। डेवलपमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? कहां है आपका 20,000 फंड किसान के लिए? धान में लूट हो गई, आलू में लूट होने जा रही है, और आय दोगुनी की बात कर रहे थे, 22 से 23 आ गया
किसी भी किसान के किसी फसल की आय दोगुनी नहीं हुई किसान की। बजट में नेता प्रतिपक्ष ने छुट्टा जानवरों के लिए उठाए जाने वाले कदमों का भी हिसाब मांगा। यहां तक आरोप लगा दिया कि डबल इंजन सरकार के बीच संबंध पटरी पर नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर सड़क पर नहीं होंगे, किसानों का ये संकट हम दूर कर देंगे। मुझे तो ये लगता है दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल में गड़बड़ हो रहा है। अगर दिल्ली वाले कह देंगे तो लखनऊ वाले नहीं करेंगे, और अगर लखनऊ वाले कुछ लेकर के जाएंगे तो दिल्ली वाले नहीं करेंगे। बात बढ़ी तो नाले तक पहुंच गई। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि गोरखपुर में अब तक नाला क्यों नहीं बना और क्यों नहीं बना स्टेडियम। जब मैंने नाले का बजट देखा तो मुझे दुख हुआ कि बताओ नेता सदन अपने गोरखपुर में अभी तक नाला नहीं बना पाए, स्टेडियम ही बना देते। स्टेडियम क्यों नहीं बनाया अपने गोरखपुर में? अगर लखनऊ राजधानी में स्टेडियम बना है, क्योंकि मैं ये बात और जगह की नहीं कह रहा हूं, मैं राजधानी के लिए कह रहा हूं, ग्रीन पार्क के लिए कह रहा हूं कानपुर में, कम से कम गोरखपुर में एक ऐसा स्टेडियम बना देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा सके। हमला तीखा था, इसलिए भाजपा ने भी सदन के भीतर और बाहर पलटवार में देर नहीं की। वो उनकी भाषा आप जानते हैं, वो हमेशा बिलो द बेल्ट बात करते हैं, हम सुचिता के साथ बात करते हैं, और राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है, और प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। शेरवानी पहन करके जब आए तो उनकी अंदर की जो वीरानी है वो समझ में आ रही है, परेशानी समझ में आ रही है। तो वो अपने आँख की जाँच कराएं, दिमाग की जाँच कराएं। ठीक, किसान को अगर नलकूप लगा करके अभी तक बिल देना पड़ रहा था, अब नहीं देना पड़ेगा, ये किसको लाभ है? किसान को लाभ है, सपा को लाभ रही, उनके गुंडों को लाभ नहीं है, ये उनकी परेशानी होगी। अब शनिवार को सीएम योगी राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इसी दौरान सीएम योगी अखिलेश के हर चुभने वाले हमले पर हिसाब बराबर कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी से इशारा साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के केंद्र में किसानों का मुद्दा रहने वाला है। अखिलेश यादव ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए किसानों को राहत देने में योगी सरकार को नाकाम बताया। सपा अध्यक्ष का दावा है कि खुद भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए वही भूल गई। इस पर भाजपा ने फौरन हिसाब बराबर कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में 98% वायदे हमने पूरे कर दिखाए और इस बार सभी वायदे निभाएंगे। सीएम योगी ने बजट पेश होने के ठीक बाद दावा किया था कि ये बजट हर वर्ग को जोड़ने वाला है, सबकी उम्मीदों को पूरा करने वाला है। कि हर बजट में हमने हर तबके के लोगों को, गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है, तो वह इस बजट में भी आपको बहुत स्पष्ट रूप से झलकते हुए दिखाई दे रहा होगा। अखिलेश यादव इस दावे पर सवाल खड़े करने के लिए भाजपा के संकल्प पत्र का हिसाब लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सदन में भाजपा के वादों का जिक्र किया और पूछा बजट में इस पर क्या ऐलान हुआ। 5 वर्ष में 70 लाख नौकरियों का सृजन, ये नौकरियां हैं, रोजगार नहीं है। 3 महीनों के भीतर शिक्षा मित्रों का रोजगार की समस्या का समाधान, अभी लाखों शिक्षा मित्र आए थे अपने परिवार के साथ, परीक्षाओं को नकल विहीन कराएंगे, पूरा का पूरा सेंटर नकल कर रहा है, सीसीटीवी में कैद है। अखिलेश ने सवाल किया कि पुलिस महकमे के तमाम खाली पदों को भरने का वादा कब तक पूरा करेंगे, अब नहीं तो कब? 2017 में वादा किया गया था संकल्प पत्र में, 1 वर्ष के भीतर पुलिस के रिक्त पदों को भरेंगे, क्या हुआ उसका? यूपी के प्रमुख शहरों में शहीद रोशन सिंह आवासीय टाउनशिप की स्थापना होगी, कितने शहरों में आधा अधूरा पड़ा हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 महिला पुलिस थानों की स्थापना होगी। सपा की तरफ से मांगे गए हिसाब पर सियासत गर्म। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के तमाम दिग्गजों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजट पर शुरू इस भिड़ंत में 2020 मैच की तरह जुबानी बल्लेबाजी हो रही है। इस बात को अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समझ नहीं पा रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जातीय बंधनों को तोड़ चुकी है, जातीय बंधनों से बाहर आ चुकी है, वो अपना विकास चाहती है, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती है। और विपक्ष के पास कोई बात नहीं, बेवजह डेढ़ घंटा सदन का समय नुकसान किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। नेता प्रतिपक्ष का काम है अपने विषय रखना, और सत्ता पक्ष के हम जो सहयोगी दल भी हैं और वो हैं, उनका जवाब देंगे। कल मैं भी सदन में, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आज कुछ विषय उठाए हैं, कल मैं भी उसका जवाब दूंगा। साफ है कि बजट पर सियासत जिस राह पर आगे बढ़ रही है, उस पर जबरदस्त टकराव के नए दौर की आह सुनाई दे रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। जब से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोर्चाबंदी और मजबूत कर दी है। आज कार्यवाही का चौथा दिन था, लेकिन समाजवादी पार्टी का रवैया पहले जैसा दिखा। शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा और रालोद के विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन करते करते विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंच गए और वहीं पर धरना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए बाधित रही। बजट सत्र की कार्यवाही नए दिन के साथ शुरू हुई तो सपा ने एक बार फिर जातीय जनगणना के मुद्दे पर माहौल गर्मा दिया। शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा और रालोद के विधायकों ने सदन में ही धरना शुरू कर दिया। रेल में पहुंचे विधायकों को स्पीकर ने समझाने की कोशिश की, कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित तक करना पड़ा। मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं। समाजवादी पार्टी अभी तक सड़क से ही मोर्चा खोल रही थी, लेकिन जब से सत्र शुरू हुआ है तभी से रोज जातीय जनगणना का मुद्दा विधानसभा में गूंज रहा है। विरोध प्रदर्शन और धरने के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अखिलेश यादव के बोलने का नंबर आया और उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे का जिक्र कर बता दिया कि वो इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मुद्दा जातीय जनगणना का आया तो अखिलेश के निशाने पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर भी आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा के सहयोगी दलों निषाद पार्टी और अपना दल एस से भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर सवाल किया। आजकल वो नेता हम लोगों से दूर हो गए हैं। कोई बात नहीं, बोले तो वो नींद आ जाएगी अगर नहीं टोकेंगे तो। इस पार्टी के नेता हैं आप ना, पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ से। नहीं, नाव मिलना ठीक है, नाव के लिए सर। क्या आप भी तो नेता हैं, क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? सदन हो या सड़क, जातीय जनगणना की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी जातीय जनगणना के पोस्टर लग गए हैं। इस पोस्टर में संगोष्ठी अभियान का भी ब्यौरा दिया गया है। समाजवादी संगोष्ठी अभियान कल वाराणसी से प्रारंभ होगा। कल 24 से लेकर 5 मार्च तक लगातार वाराणसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रयागराज में लगातार विधानसभा व ब्लॉक वार संगोष्ठियों का आयोजित की गई है। विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश ने अपनी साइकिल को पूरी तरह जातीय दिशा में मोड़ दिया है और ये ठान लिया है कि लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को इसी तरह उठाते रहेंगे। सेंसेक्स की गणना अब शुरू होने वाली है, अब समय आ गया है,
तो अब जो सेंसेक्स है, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, उनके अनुरूप जो उसमें जनगणना होगी तो वो सबको स्वीकार्य होगी। और हमेशा इसके पहले भी जो सेंसेक्स में जनगणना हुई उसको पूरे देश ने स्वीकार किया, क्योंकि जो भी चीज़ें संविधान के तहत हैं, कानून के तहत, तो वो सबको स्वीकार नहीं होगी। समाजवादी पार्टी ने अपने DNA में न कोई परिवर्तन करते हुए, यानी उद्दंडता, अराजकता, दंगा फसाद कराने का जो उनका नेचर है, उसी ढंग से उत्पाद किया, जिसका प्रदेश की जनता ने देखा है। इन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। इधर सपा जातीय जनगणना की मांग पर अड़ी है, तो सरकार ने भी इशारों इशारों में अपना स्टैंड साफ कर दिया है। यानी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव इसी तरह चलता रहेगा। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की बड़ी आशंका आज दूर हो गई प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से। समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को MP MLA स्पेशल कोर्ट ने आज 1.5 साल की सजा सुनाई है। मामला सड़क पर बवाल और सरकारी काम में बाधा डालने का था। राहत की बात यह रही कि 2 साल से कम की सजा होने की वजह से विधायक विजमा यादव की सदस्यता रद्द होने से बच गई। अदालत ने सजा के बाद दोषी सपा विधायक को हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने तक 30 दिनों के लिए अंतरिम तौर पर जमानत दी। जमानत मिलने से विजमा यादव को जेल नहीं जाना पड़ा। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से सपा विधायक विजमा यादव को 1.5 साल की सजा हुई, तो सपा के खेमे में छाए चिंता के बादल हटते दिखाई दिए। क्योंकि अगर विजमा यादव को 1.5 साल की जगह 2 साल की सजा हो जाती तो सपा का एक और विधायक कम हो जाता। समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव को 1.5 साल की सजा जरूर मिली है, लेकिन आज उन्हें दोहरी राहत भी मिली है। 2 साल से कम की सजा होने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है, तो साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपील दाखिल करने तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा है। प्रयागराज के स्पेशल MP MLA कोर्ट ने विजमा यादव को दोषी करार देते हुए सजा तो सुना दी, लेकिन इसी मामले में 14 अन्य आरोपियों को पूरी तरह बरी कर दिया। अदालत में जिस वक्त बाकी आरोपियों को बरी करते हुए विजमा यादव को दोषी करार दिया गया, उस वक्त सपा विधायक भावुक हो गई। हालांकि विधायकी बचने और जमानत मिलने के बाद चेहरे पर मुस्कान लौट आई। तो मुझे उम्मीद था, भरोसा भी था कि न्यायालय पे, मैंने कभी सोचा नहीं था न किसी के साथ गलत हुआ था, तो मुझे न्यायालय पे भरोसा था। हाईकोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ अपील के। दरअसल सपा विधायक विजमा यादव से जोड़ा ये मामला 22 साल पुराना है। 21 सितंबर 2000 को सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हुई थी। यह हादसा सराय इनायत थाना क्षेत्र के सहसों चौराहे पर हुआ था। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया था, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और पुलिस पर भी हमला हुआ था। विजमा यादव पर जो आरोप लगे थे उससे मिलते जुलते मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से अब्दुल्ला की विधायकी चली गई। अब विजमा यादव को सिर्फ 1.5 साल की सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकारों और वकीलों की आंखों में उम्मीद जग गई है। अगर अब्दुल्ला आजम पर दर्ज केस की बात करें तो दोनों में बहुत हद तक समानता है। अब आपको एक एक कर दोनों पर लगे आरोपों और सजा के बारे में बता देता हूं। विजमा यादव का मामले को देखिए, धारा 147, 341, 353, 504, 332 और 7 CLA एक्ट का केस है। 1.5 साल की सजा विजमा यादव को सुनाई गई, लेकिन इससे उनकी विधायकी बच गई, क्योंकि अगर 2 साल की सजा होती तो विधायकी चले जाती। अब अब्दुल्ला आजम के केस को देखिए, IPC की धारा 147, 353, 341, 7 CLA एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। 2 साल की सजा सुनाई गई, विधायकी चली गई इस वजह से। तो ये दोनों का केस है, हमने आपके सामने रखा। और अब आपको विजमा यादव और अब्दुल्ला आजम पर लगे आरोपों और ट्रायल पूरा होने तक के हर चरण की खास बातें भी बता देता हूं। विजमा यादव का केस को देखिए, 21 सितंबर 2000 का यह मामला है। प्रयागराज के सराय इनायत इलाके की घटना है। पुलिस चौकी के पास हिंसक बवाल हुआ। विजमा यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। उकसाने के बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया। घातक हथियारों से लैस होकर हमले का आरोप था। गोली बम से भीड़ ने हमला किया था, यह भी आरोप था। पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई थी इस पूरे मामले में। सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत के बाद नाराज थी भीड़।
एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया और 1.5 साल की सजा विजमा यादव को हुई। अब आप अब्दुल्ला आजम के केस को देखिए। जनवरी 2008 का यह मामला है, मुरादाबाद के छजलैट की यह घटना है। भीड़ को उकसाकर सड़क जाम और बवाल का आरोप था। भीड़ के साथ रोड पर धरना देने का आरोप लगा। चेकिंग के लिए गाड़ी रोके जाने पर बवाल का आरोप लगा। 2019 से मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। 13 फरवरी को पिता के साथ दोषी करार हुए अब्दुल्ला को 2 साल की सजा सुनाई गई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरादाबाद से उबैदुर रहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उबैदुर, इस फैसले के बाद जिस तरह से एक उम्मीद की किरण के बाद जो आप बात कर रहे थे रामपुर में, की अगर बात करें इसको लेकर सपा के खेमे में क्या मंथन चल रहा है विजमा यादव का जो फैसला आया है, अब यही सवाल मेरा आपसे होगा तो कि आखिरकार जिस तरह से विजमा यादव का फैसला आया है उसके बाद रामपुर में किस तरह की हलचल? जी बिल्कुल, जो अब्दुल्ला आजम के वकील हैं और जो कानूनी सलाहकार हैं उनका मानना है कि अब्दुल्ला आजम को इस केस में राहत मिल जाएगी। उन्होंने जो अपील है वो दायर कर दी है और 27 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की जो एडीजे 2 की अदालत है। अब्दुल्ला आजम को एक और राहत की उम्मीद उनके कानूनी सलाहकारों को लग रही है कि मिल सकती है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की जो घटना वाले दिन उम्र है वो 1990 की जनतिथि के मुताबिक भी 16 साल कुछ महीने बैठ रही है। तो ऐसे में अब्दुल्ला आजम के वकील और जो कानूनी सलाहकार हैं वो दो बातें जो हायर कोर्ट में अपील की है उन्होंने याचिका उसमें रखने वाले हैं। एक ये कि अब्दुल्ला आजम उस तारीख को नाबालिग थे और दूसरी ये कि जो धाराएं उन पर लगी हैं उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल है और 2 ही साल उनको सुना दी गई है। तो हो सकता है कि उनको ये लगता है कि कुछ राहत अब्दुल्ला आजम को मिलनी चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम उस तारीख में उनका जो कानूनी सलाहकार हैं वो इसी दो बातों पर बहस करने वाले हैं और 27 फरवरी को इसमें जो सुनवाई है वो होनी है। तो अब्दुल्ला आजम के वकीलों को कानूनी सलाहकार को ये पूरी उम्मीद है जो हमारी बात हुई है कि अब्दुल्ला आजम को इस केस में राहत मिल सकती है। तो अगर उसको राहत मिलती है तो ये इनके जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उसके, यानी उबैदुर कुल मिलाकर जो आज विजमा यादव के मामले में जो फैसला है उसके बाद से आप जो कह रहे हैं कि जो चर्चा है वहां पर रामपुर में कि एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है, क्योंकि उनका कहना है कि इस मामले को और इस मामले की अगर तुलना करें तो अंतर काफी है, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, विजमा यादव पर जो धारा थी वो ज़्यादा थी अब्दुल्ला आजम से अगर देखा जाए, तो ऐसे में उनको लगता है कि अगर उसकी मिसाल दी जाए अदालत में तो हो सकता है कि अदालत से उन्हें कुछ राहत मिल जाए। तो इसी को लेकर के वो तैयारी किए हुए हैं और 27 फरवरी को इस मामले में अब सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल उबैदुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जातीय जनगणना के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बना लिया है, लेकिन इससे मुद्दे पर आज मायावती का ऐसा जवाब आया जो अखिलेश यादव को चुभ रहा होगा। मायावती ने पूछा है कि जब अखिलेश यादव 5 साल तक मुख्यमंत्री थे तब उन्हें जातीय जनगणना के मुद्दे की याद क्यों नहीं आई। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि बसपा भी जातीय जनगणना की समर्थक है, यानी विपक्ष का खेमा इस मुद्दे पर एक सुर में बात कर रहा है लेकिन आपस में टकराव भी नहीं छोड़ रहा। पिछले कुछ दिनों से यूपी की सियासत में जातीय जनगणना का मुद्दा तेजी से उछला है और जब बजट सत्र शुरू हुआ तो इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई। अखिलेश यादव ये दोहराने लगे कि अगर सपा की सरकार होती तो 3 महीने में जातीय जनगणना पूरी हो जाती, लेकिन अब मायावती ने इस पर खामोशी तोड़ी है। मायावती ने न सिर्फ जातीय जनगणना के मुद्दे पर जवाब दिया बल्कि सपा पर चुभने वाला हमला भी बोला। मायावती ने कहा अगर सपा यूपी में जातीय जनगणना को लेकर गंभीर होती तो इनको ये काम अपनी सरकार के रहते करवा लेना चाहिए था, ताकि बार बार भाजपा की सरकार से मांग ना करनी पड़ती। बसपा इसकी जबरदस्त समर्थक है, ये काम पूरे देश में एक साथ होना चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार को साथ आना होगा। जिस समय इनको पूरा समर्थन था, जिस समय ये पूर्ण बहुमत में थे और सरकार में थे, उस समय निर्णय में किसी को पूछना भी नहीं था, स्वयं निर्णय क्यों नहीं लिए? और आज जब आप विपक्ष में बैठे हैं तब आपको जातीय जनगणना की याद आ रही है और आप फिर उस अंदर अपने घटक दलों से अन्य विपक्षी पार्टियों से पूछ रहे हैं, सत्ता दल के भी लोगों से पूछ रहे हैं, तो जातीय जनगणना तो आप उस समय भी करा सकते थे। वो नहीं बात है, बात यह है कि जातीय गणना की मांग पहले चली आ रही है कि सबको जातीय गणना हो जाएगी, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, कोई भी हो, जितनी संख्या है उतना उनको भागदारी मिलेगी। मायावती ने सपा पर चुभने वाला हमला बोला तो अखिलेश की लाल सेना भी पलटवार के मूड में आ गई।
बहन कुमारी मायावती जी क्या कह रही हैं क्या नहीं, ये उनका अपना इशू है, लेकिन जहाँ तक ये मामला है तो सरकार में वो खुद भी रही हैं। अगर वो चाहती तो वो भी करा सकती थी, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कराया। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रही है और एक अहम मुद्दा है। मेरा सवाल यह है कि हमारी नेता ने लगातार जिस विषय को विधायक बनने के बाद, फिर सांसद बनने के बाद और एनडीए के एक महत्वपूर्ण अंग रहते हुए भी जिस विषय को लगातार उठाया है, उसको आज सरकार में न रहने के बाद ही समाजवादी पार्टी को क्यों याद आ रही है? अखिलेश कहते हैं कि जातीय जनगणना के बिना सबका विकास और सबका साथ का नारा अधूरा है, लेकिन विरोधी सवाल उठाते हैं कि अगर जातीय जनगणना के इतने ही हितैषी हैं, तो अपनी सरकार के दौरान इस पर खामोश क्यों रहे? जिस सुभाषपा से अखिलेश ने सवाल किया था, उसने ट्विटर के जरिए उन्हें जवाब दिया। अरुण राजभर ने ट्वीट किया, सपा की जब सरकार थी तब जाति जनगणना कराने की याद नहीं आई थी क्या? सत्ता में थे तो खुद को सपा सुप्रीमो फॉरवर्ड मानते थे, जनता ने सत्ता से बेदखल किया तो पिछड़े वर्ग के बन गए। सुभाषपा 20 सालों से सड़क से सदन तक जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। सिर्फ सुभाषपा ही नहीं, निषाद पार्टी और अपना दल एस की तरफ से भी अखिलेश पर चुभने वाला पलटवार हुआ। नहीं, वो सबसे घातक होगा उनका, क्योंकि जब ये सत्ता में था तो उनके याद नहीं आया, और जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, और केंद्र में 2004 से 2014 तक ये थे, तो पिछड़ी जातियों को क्यों नहीं फंडामेंटल राइट में डलवाए, क्यों नहीं रिजर्वेशन को पॉलिटिकल कराया? जातीय जनगणना के मुद्दे पर जारी लड़ाई अभी और आगे तक जाएगी, क्योंकि विरोधी कुछ भी कहें, अखिलेश ने ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को रफ्तार देते रहेंगे और उनके सहयोगी भी इस मुद्दे पर साथ खड़े हैं। हमारी ये मांग है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उसमें समाज की स्थिति क्या है ये बिल्कुल स्पष्टता से साबित हो जाता है। और आज जब हमने सरकार से ये प्रश्न किया, इस मुद्दे को उठाया, तो सरकार का जो रवैया था, ऐसा लगा कि उसको जन भावनाओं की बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है, और जिनके दम पे वो सत्ता में बैठे हैं उनसे जुड़े मुद्दों को वो जवाब नहीं देना चाहते। बजट सत्र के पहले दिन से ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर शोर सुनाई दे रहा है, और ये शोर तब तक सुनाई देता रहेगा जब तक बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी, क्योंकि सपा ने अपना मकसद साफ कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस की, जिसके प्रवक्ता पवन खेड़ा एक बयान के चलते मुश्किल में घिरे हैं। इसी विवादित बयान के चलते आज दिल्ली पुलिस ने पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी असम पुलिस की सिफारिश से हुई थी, क्योंकि पवन खेड़ा के खिलाफ असम में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन पार्टी प्रवक्ता की गिरफ्तारी कांग्रेस नेताओं को इतनी चुभी कि वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि 3 घंटे के भीतर पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। नाम भले दामोदर दास से, काम गौतम दास का करते। अडानी के मुद्दे पर बोलते हुए पवन खेड़ा ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसने देश की सियासत में बखेड़ा खड़ा कर दिया। पवन खेड़ा के इस बयान पर काफी बवाल मचा, और भाजपा ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। पवन खेड़ा पर लखनऊ और वाराणसी के अलावा असम में भी केस दर्ज हुआ, जिसकी अगली पिक्चर दिल्ली एयरपोर्ट पर सामने आई। कांग्रेस के नेता पार्टी के अधिवेशन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ जा रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की, आ जाए फिर देखिए। पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने असम पुलिस की सिफारिश के आधार पर गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई कांग्रेस नेताओं को इतनी चुभी कि वो एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए, केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं, इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है, जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस, वो उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती, हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे, ना वो प्रोडक्शन वारंट
प्रोड्यूस कर रहे हैं न गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। एफआईआर की कोई कॉपी शो नहीं कर रहे हैं, डीजीसीए के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे कहने कि हमें वर्बली कहा गया है असम में एफआईआर है, यहाँ एफआईआर है और हम ले जाएंगे, ये पूरी तरह से नियम कानून संविधान के खिलाफ है। हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पवन खेड़ा को कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद असम ले जाने की तैयारी थी, लेकिन कांग्रेस फौरन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां से पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। उधर अखिलेश यादव ने भी इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अजय, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा, नहीं एक मिनट, नाम इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कांग्रेस के नेता जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए, लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं, यूपी में कावा आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। पवन खेड़ा पर हुए एक्शन को लेकर विपक्ष सुर में सुर मिला रहा है। उधर कांग्रेस नेताओं ने इसे अपने अधिवेशन से जोड़ दिया। कांग्रेस का आरोप है कि रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन को बाधित करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी हुई थी। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नया मिसाल हमारे मीडिया डिपार्टमेंट, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पवन खेड़ा को 3 एफआईआर दर्ज किए गए, एक लखनऊ में, एक वाराणसी में और एक हालफोंग में, जो बिल्कुल असम के किनारे में है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत मिल गई है। कोर्ट ने सभी एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है, साथ ही अगली तारीख तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बात कानपुर देहात के उस अग्निकांड की, जिसके 10 दिन बीतने के बाद भी सवालों वाला धुआं हर रोज उठ रहा है। आज मां बेटी की मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। उधर याचिकाकर्ता ने कहा है कि जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई है उसमें भी सरकारी अमले के लोग हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर देहात में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रार जारी है और अब ये मामला हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। जिस हादसे में मां बेटी की जलकर मौत हुई थी, उस मामले में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने कहा कि दोनों मृतक थे, उनको 5-5 लाख रुपए दिया जा चुका है। हमारी तरफ से ये हुआ कि साहब जो इंजर्ड थे उनको कुछ नहीं दिया, वो फोटो में भी है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी है कि नहीं दिया। तो कोर्ट ने इस पर बड़ा नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आप इनको भी, जो इंजर्ड पर्सन है उनको भी अपना क्षतिपूर्ति जो हो सके वो दीजिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन घायलों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जनहित याचिका में घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने की मांग की गई है। कहा गया है कि यूपी के सरकारी अमले से जुड़े लोग ही आरोपी हैं और सरकार ने जांच के लिए जो एसआईटी गठित की है उसमें भी सरकारी अमले के लोग ही हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। हाई कोर्ट से जांच की मॉनिटरिंग करवाने की भी अपील की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि दोषियों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें सजा देने के लिए न्यायिक जांच जरूरी है। हाई कोर्ट ने एसआईटी और मजिस्ट्रेट जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तलब की है, साथ ही यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है, यानी 16 मार्च को फिर एक बार मामले में सुनवाई होगी। दो इन्होंने मजिस्ट्रियल जांच और एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन में कहा गया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो है रिपोर्ट आनी थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कोर्ट ने इनको अवसर देते हुए और कहा कि 16 मार्च को डेट लगाया है और कहा एसआईटी की रिपोर्ट और मजिस्ट्रियल रिपोर्ट दोनों को तलब किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विद एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेंगे। कानपुर देहात के मरौली गांव में 13 फरवरी को यह घटना हुई थी।
लेकिन मामला अब भी तक सुलग रहा है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहा है। इस बार बारी थी किसान नेता राकेश टिकैत की, जिन्होंने बुलडोजर नीति पर चुभने वाले सवाल उठाए। वो ऐसी जमीन पर कब्जा किए हुए थे? अरे कब्जा कर लिया होगा किसी ने, रहना शुरू कर दिया होगा कोई, उसने महल बना दिया वहाँ पे। आप यही कर लो कि जो भी लोग बीजेपी के लोग हैं उन्हें किसी जमीन पे कब्जा नहीं करा, क्यों आप एफिडेविट दुआ दो उनसे। अगर उन्हें झोंपड़ी बना के रह ही लिए हैं, ये तो प्रशासन दावा करेगा अब वो रह ही लिया, तो क्या ये काम करना चाहिए? कानपुर देहात की घटना के बाद बुलडोजर ही विपक्ष के निशाने पर है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।